नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ढोकले बनाने बताऊंगी। ढोकला कैसे बनाते हैं मैं आपको सूजी और बेसन से ढोकला बनाना बताती हूँ। जिसके लिए मैंने 2 कटोरी सूजी लिया है और 1 कटोरी बेसन लिया है। अब हम इनको मिक्स करेंगे। दो कटोरी सूजी एंड 1 कटोरी बेसन। अब इसमें 1 कटोरी दही ऐड करेंगे। अब इन सबको हम अच्छे से मिलाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मिलाते जाएंगे तब तक कि हमारा जो बैटर है वो तैयार नहीं हो जाए अच्छे से। एक साथ ज़्यादा पानी नहीं डालना है। देखिए दोस्तों, हमारा जो बैटर है वो रेडी हो गया है। अब मैं इसमें 1 चम्मच मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी हम कलर के लिए ऐड कर रहे हैं एंड धनिया पाउडर। अब इसको अच्छे से मिलाएंगे। आप देखिए, आपको ऐसा बैटर तैयार करना है, ना ज़्यादा गाढ़ा हो ना ज़्यादा पतला हो, मीडियम हो। अब हम इसको 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब देखो दोस्तों, 10 मिनट पूरे हो चुके हैं। अब हम बैटर के अंदर खाने वाला सोडा ऐड करेंगे। खाने वाला सोडा हमें तुरंत ऐड करना है और अब हल्का सा मिला के और ओवन के अंदर रखेंगे इसको। ये देखिए, मैंने ओवन ऑलरेडी गैस पे रखा हुआ है, गर्म हो चुका है मेरा पानी अच्छे से। आप भी ऐसे लगा लीजिए और इसको इसके अंदर रख दीजिए। अब इसके अंदर हम बैटर को डाल देंगे जो हमारा रेडी है। अब इसको पकने देंगे 10 मिनट के लिए, छोड़ देंगे इसे। तेज गैस पे इसको आपको पकाना है। अब हम देखते हैं हमारा ढोकला बनके रेडी हुआ है कि नहीं हुआ। अब हम इसको नाइफ से देखेंगे। यस, हमारा ढोकला बनके तैयार हो चुका है। कि अगर ये नाइफ पे चिपकता है मतलब नहीं हुआ, और अगर नाइफ क्लीन निकला है मतलब तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। देखिए, अभी ये ठंडा हो चुका है। अब मैं इसको आपको कट करना बताऊँगी। स्क्वायर शेप में हम इसको कट करेंगे। मैंने पूरे को अच्छे से कट कर लिया है। अब आप देख रहे हैं, इसमें 2 चम्मच नींबू का रस है और 1 चम्मच चीनी मैंने पहले से ही मिला के रखा हुआ है। अब मैं इसको इसके ऊपर पूरे पे फैला दूँगी। इससे क्या है, खट्टा मीठा टेस्ट आता है जो कि बहुत अच्छा लगता है। ऐसे पूरे अब एक एक पीस निकाल लेंगे हम और अब मैं आपको तड़का लगाना बताऊंगी। अब आप देखिए, मैंने पूरे ढोकले को अच्छे से कट कर लिया है। अब हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 2 चम्मच तेल डालेंगे।
अब देखिए, अब तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें जीरा डालेंगे एंड सरसों दाना यानी कि राई और हरी मिर्च। अब इसके अंदर हम अपने ढोकले डाल देंगे। अब हम इन्हें अच्छे से मिला लेंगे ताकि राई वगैरह सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब मैं आपको सर्व करके बताती हूँ। रेडी है। अब आप देखिए, ढोकला बनके तैयार है। यमी डिलीशियस। इसको बनाना बहुत इजी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप